गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा, तो आज हम जो है इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना जो है थ्रेड्स वाला अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर सकते हो। गाइस, मैं जो है पूरा जो है आपको तरीका बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप अपना थ्रेड्स का अकाउंट डीएक्टिवेट करोगे, मतलब कि डीएक्टिवेट करोगे, डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है डिलीट होगा। लेकिन गाइस, अगर आप जो अपना थ्रेड्स का अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट अगर आप जब भी करते हो अपना थ्रेड्स वाला अकाउंट, तो आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जो कोई भी जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा, मतलब कि ना ही डीएक्टिवेट और ना ही डिलीट, आपका जो थ्रेड्स का अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, किसी को जो शो नहीं होगा। तो गाइस, अच्छे से समझने के लिए आप जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं सोनू और आप हो ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अपना थ्रेड्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस, आपको जो कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल बॉटम में जो प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपको जो यहाँ पर दो जो है लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको दो लाइन देखने को मिलती है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो है सिंपली जो अकाउंट्स वाले जो है ऑप्शन में चले आना है। यहाँ पर गाइस आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट प्रोफाइल, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। डीएक्टिवेटिंग यूर प्रोफाइल इज टेम्पररी, मतलब कि कुछ समय के लिए आप जो अपना थ्रेड्स अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर सकते हो। गाइस, जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे जब तक ये जो है डीएक्टिवेट रहेगा, मतलब कि बंद रहेगा, मतलब कि आपको जो है डीएक्टिवेट कर सकते हो। और फिर से अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहते हो तो आप जो है कभी भी कर सकते हो। और अगर आप जब भी लॉगिन नहीं करोगे तो ये आपका जो अकाउंट है जो डीएक्टिवेट रहेगा, मतलब कि बंद रहेगा। तो गाइस, डीएक्टिवेट करने के लिए आपको जो डीएक्टिवेट थ्रेड्स प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डीएक्टिवेटेड और जो कैंसिल का। तो आपको जो है डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है, आपका जो थ्रेड्स अकाउंट है, वो कुछ समय के लिए जो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि टेम्प्रेरी हुआ ये। आप जो अगर फिर से लॉगिन करना चाहते हो तो गाइज आप जो फिर से जो है उसी तरीके से लॉगिन कर सकते हो जिस तरीके से आपने जो थ्रेड्स जो है लॉगिन किया था स्टार्टिंग। गाइज, थ्रेड्स अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद आपको जो कोई भी जो फॉलो नहीं कर पाएगा, वो आपकी प्रोफाइल सर्च कर पाएगा लेकिन आपके फॉलोवर्स भी नहीं देख पाएगा कि आपको जो किस किस ने फॉलो किया या फिर आपने किस किस को फॉलो किया है, और ना ही वो जो है आपको कोई भी जो फॉलो कर पाएगा। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज देखने के लिए।